चले ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक स्टोरी जो है स्टोरी पर काम करेंगे, ठीक है। स्टोरी बोर्ड के जरिए हम सेंटेंसेस बनाएंगे, अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनाएंगे स्टोरी बोर्ड के जरिए। तो स्टोरी कौन सी है? घोस्ट स्टोरी है ना, इट्स ऑल अबाउट अ घोस्ट स्टोरी। सो वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन दिस क्लास। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो राइट नाउ। एंड आर यू ऑल्सो गाइज रेडी? ओके, सो हियर वी गो। डोंट लेट एनीवन कम। सो स्टोरी है, देखिए ध्यान से। ऐसा कहा जाता है कि जंगल में एक भूत रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जंगल में एक भूत रहता है। यह सेंटेंस आपको बनाना है, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा कहा जाता है का मतलब यह हुआ कि लोग कहते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं कैसा क्यों है, कैसा कहा जाता है। देखिए सेंटेंस हमारा है, ये लिखा हुआ है पीपल से दिस, पीपल से दिस, इसका मतलब लोग ऐसा कहते हैं, लोग इसे कहते हैं या लोग ऐसा कहते हैं। अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता है कि पीपल में बाय पीपल नहीं होता। इस बाय एजेंट के द्वारा पीपल को हम लोग इस्टैब्लिश नहीं करते हैं। देखिए इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, दिस इज सैड, दिस इज सैड, और लिखा क्या है पीपल से दिस, पीपल से दिस, इसका मतलब लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो पीपल से दिस, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पीपल नहीं होता, बाय पीपल हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसका पैसिव एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस से लिखा हुआ है दिस इज सेड, इसका मतलब ऐसा कहा जाता है। तो जब कभी सेंटेंस हो कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, तो आप सीधा कैसे बनाएंगे, दिस इज सैड ऐसा कहा जाता है, या इट इज सैड या दिस इज सैड, इसका मतलब ऐसा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है तो इट इज बिलीव्ड या दिस इज बिलीव्ड, ऐसा सोचा जाता है दिस इज थॉट। थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इज एम आर के बाद, तो दिस इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है, दिस इज थॉट ऐसा सोचा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है। तुम्हारा सेंटेंस क्या था, ऐसा कहा जाता है कि जंगल में एक भूत रहता है। अब ऐसा कहा जाता है तो क्या हो गया, इट इज सैड या दिस इज सैड, कि जंगल में एक भूत रहता है, तो की के लिए क्या लगाएंगे, दैट कंजंक्शन लग जाएगा, दैट दिस इज सैड दैट जंगल में एक भूत रहता है। अब क्या होगा, जहां पर कोई चीज की होने की ना होने की संभावना होती है वो सेंटेंस हम किससे शुरू करते हैं, देयर से शुरू करते हैं। जंगल में एक भूत रहता है तो देयर लिव्स अ घोस्ट इन अ फॉरेस्ट, देयर लिव्स अ घोस्ट इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। गांव में एक बुढ़िया रहती है तो क्या होगा, देयर लिव्स एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। तो ऐसा कहा जाता है कि जंगल में एक भूत रहता है, तो इट इज सैड दैट देयर लिव्स अ घोस्ट इन अ फॉरेस्ट या जंगल, ठीक है, हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जंगल में एक भूत रहता है। अब अगला इसी में है, ऐसा माना जाता है कि भूत भयंकर है,
अब फिर वही पैसिव वॉइस वाला आ गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ऐसा माना जाता है तो क्या होगा उसकी अंग्रेजी क्या होगी? इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। या आप इसे तीन चार तरीके से लिख सकते हैं तो भी उसका मतलब निकलेगा, ऐसा माना जाता है। इट इज सपोज्ड या दिस इज सपोज्ड, एस यू डबल पी ओ एस ई डी, इट इज सपोज्ड मतलब ऐसा सपोज किया जाता है। सपोज करना माने क्या होता है? जस्ट थिंक, सोचना, जस्ट इमेजिन, यही तो है। तो इट इज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है। इट इज थॉट, ऐसा सोचा जाता है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। इट इज बिलीव्ड, इट इज थॉट, इट इज सपोज्ड, इट इज बिलीव्ड, ठीक है। इसका सबका मतलब है कि ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि भूत भयंकर है या भूत भयंकर होता है, उसी का मतलब इज लगेगा। इज का मतलब है और इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि भूत भयंकर होता है या भूत भयंकर है, तो कैसे बोलेंगे? इट इज बिलीव्ड दैट द घोस्ट इज भयंकर का ऑफुल, ए डब्ल्यू एफ यू एल, ऑफुल। इट इज बिलीव्ड दैट द घोस्ट इज ऑफुल। अब मैंने द घोस्ट क्यों बोला? इट इज बिलीव्ड दैट द घोस्ट इसलिए बोला क्योंकि जब किसी चीज को हम जोर देकर के इस्टैब्लिश करते हैं, जोर देकर के बोलते हैं या उससे परिचित रहते हैं, हम उसे जानते हैं बारीकी से, तो हम उस पर दा लगाते हैं। अब एक बार हो गया ना घोस्ट के बारे में कि एक घोस्ट रहता था तो अजनबी था ना। एक बार हो गया कि एक घोस्ट रहता था, तुमने क्या लिखा? दियर लिप्स ए घोस्ट, एक घोस्ट रहता है। अब फिर वही घोस्ट की बात आ गई, तो जो दोबारा घोस्ट की बात आ गई तो उसके पहले दा लगाए। तो इट इज बिलीव्ड दैट घोस्ट इज ऑफुल, भयंकर है, ह्यूज है, एच यू जी, ऑफुल, ह्यूज, जायंट भी लिखते हैं, जी आई ए एन टी। इट इज बिलीव्ड दैट द घोस्ट इज ऑफुल या द घोस्ट इज ह्यूज या द घोस्ट इज जायंट, दानो, विशालकाय, तो हो गया भयंकर है। आगे देखते हैं और खतरनाक होते। देखिए लोगों द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूत भयंकर होते हैं, कि भूत भयंकर और खतरनाक होते हैं। ये सेंटेंस है, लोगों के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूत भयंकर और खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी वर्ब आएगी? इज का यूज होगा, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट हमारा है भूत, जिसकी दो क्वालिटी है, खतरनाक और भयंकर, ठीक है। होते हैं इसका मतलब कई सारे भूत हैं, उनकी दो क्वालिटीज हैं, भयंकर और खतरनाक। तो ऐसा लोगों द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूत भयंकर और खतरनाक होते हैं, तो लोगों के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोबारा एक बार पैसिव वॉइस सेंटेंस है, क्योंकि ये क्लास में मैं क्या सिखा रहा हूं कि आपको इज एम आर जो पहले बना वीडियो, अभी इसके पहले भी हम लोग बना चुके हैं, वो भी सेशन हम लोग अटेंड कर चुके हैं ना। तो उसमें इज एम आर के बारे में क्या बताया गया था कि एक बार वो मेन वर्ब होती है और दूसरी बार वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अब यहां पर ये क्या है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हम इससे पैसिव वॉइस फॉर्म कर रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? टेंस बनाती है, पैसिव वॉइस वॉइस का भी निर्माण करती है, वॉइस भी बनाती है। तो लोगों के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज बिलीव्ड बाय पीपल, इट इज बिलीव्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है। या एक्टिव वॉइस में बोले तो एक अलग टाइप का सेंटेंस बोल सकते हैं, पीपल बिलीव दिस। पीपल बिलीव दिस का मतलब क्या हुआ? लोग ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा विश्वास करते हैं, यानी लोगों के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है। तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, दोनों तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि सेंटेंस में लिखा गया है कि लोगों के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है,
तो हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस ही बनाना है। आप एक्टिव वॉइस में भी अपने बात को रख सकते हैं, पीपल बिलीव दिस या दिस इज बिलीव्ड बाय पीपल। ये जो मैंने लिखा आ गया बात वापस, पीपल से दिस, लोग ऐसा कहते हैं और दिस इज सेड, ऐसा कहा जाता है लोगों द्वारा, है ना। तो पीपल बिलीव दिस या इट इज बिलीव्ड बाय पीपल कि भूत खतरनाक और भयंकर होते हैं, तो क्या होगा, दैट इट इज बिलीव्ड बाय पीपल दैट द घोस्ट्स आर ऑफुल एंड डेंजरस, खतरनाक हो गया। अब अगला सेंटेंस हमारा है, ये रात में ज्यादा डरावने होते हैं, ये रात में ज्यादा डरावने हो जाते हैं, ये रात में ज्यादा डरावने होते हैं, और एक सेंटेंस होगा कि ये रात में ज्यादा डरावने हो जाते हैं। अब ये रात में ज्यादा डरावने होते हैं कैसे लिखेंगे, और ये रात में ज्यादा डरावने हो जाते हैं कैसे लिखेंगे। एक में तो उनकी स्टिल स्टेट की बात हो रही है, एकदम स्थिर दशा या अवस्था की बात हो रही है कि रात में ज्यादा भयंकर होते हैं, तो क्या होगा, दे आर ज्यादा भयंकर, अब ज्यादा के लिए मोर लगाएंगे, मोर, दे आर मोर ऑफुल, दे आर मोर ऑफुल एट नाइट, दे आर मोर ऑफुल एट नाइट, वे रात में ज्यादा डरावने हो जाते हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर बोला जाए कि वह रात में ज्यादा डरावने हो जाते हैं, होते नहीं हो जाते हैं, क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, दे बीकम, चूंकि अब यहां पर ना अवस्था बदलेगी, जब अवस्था बदल जाती है तो वहां पर बीकम का यूज किया जाता है, समझ गया ना। तो ये रात में डरावने हो जाते हैं और ये रात में डरावने होते हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज करें, ये रात में ज्यादा डरावने होते हैं तो होगा दे आर मोर ऑफुल एट नाइट, और दूसरा सेंटेंस, ये रात में ज्यादा डरावने हो जाते हैं तो दे बीकम मोर ऑफुल एट नाइट। तो एक में बीकम लगेगा और एक में आर लग जाएगा, ठीक है। और अगला सेंटेंस है, आप लोग भी ध्यान दीजिए कौन सा सेंटेंस होगा, बराबर ध्यान देते रहिएगा। ऐसा माना जाता है कि भूत वीरानों में रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि भूत वीरानों में रहते हैं। अब ऐसा माना जाता है फिर तो क्या होगा, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। जब भी आपको पैसिव वॉइस में होगा कि ऐसा माना जाता है, इसका मतलब आप नहीं मानते, लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा किया जाता है, ऐसा खाया जाता है, ठीक है। तो इट इज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, ऐसा किया जाता क्या होगा, इट इज डन, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड, ऐसा खाया जाता है, इट इज ईटन, तो ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा सोचा जाता है, इट इज थॉट। तो चलिए सेंटेंस हमारा है, ऐसा माना गया है, देखिए अभी था माना जाता है, अब अगले सेंटेंस में ऐसा माना गया है कि भूत वीरानों में रहते हैं, ऐसा माना गया है कि भूत वीरानों में रहते हैं। आप बताइए कौन सा सेंटेंस ऐसा माना गया है, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, ऐसा माना गया है, ऐसा लोगों द्वारा विश्वास किया जा चुका है, तो ऐसा माना गया है क्या होगा, इट हैज बीन बिलीव्ड। अभी इसके पहले क्या था, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, अभी यहां पर क्या है, ऐसा माना गया है, तो इट हैज बीन बिलीव्ड, ऐसा माना गया है। और क्या है आगे, कि भूत वीरानों में रहते हैं, इट हैज बीन बिलीव्ड दैट घोस्ट लिव कहा, इन डेजर्ट, वेरी गुड, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, ऐसा वीरानों में रहते हैं, लिव इन द डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट्स कर देंगे, लिव इन द डेजर्ट्स, इन द डेजर्ट्स करेंगे, द क्यों करेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक चीज पर इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, वीरानों में ही रहते हैं कहने का मतलब, और कहीं नहीं रहते, तो दा लगा देंगे, इन द डेजर्ट्स, इट इज बिलीव्ड, नहीं क्या होगा, इट हैज बीन बिलीव्ड,
ऐसा विश्वास किया गया है. तो इट हैज बीन बिलीव्ड दैट घोस्ट लिव इन द डेजर्ट. ऐसा विश्वास किया गया है कि भूत वीरानों में रहते हैं. अब अगला सेंटेंस है, मैं अब देखिए आपने जो पढ़ा है ना उसकी फिर वापस एक बार प्रैक्टिस हो रही है. ध्यान दो, जितनी वर्ब आपने इसके पिछले पढ़ी हैं वो कीप हो गया, जो भी आपने पढ़ा ना लेट हो गया उसका दोबारा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. बहुत ही उम्दा चीज है ये क्लास बहुत जबरदस्त आपकी आज की है. ध्यान दो, फोकस्ड होकर पढ़ना. देखिए, मैं डरावनी कहानियां पढ़ता रहता हूं. मैं डरावनी कहानियां पढ़ता रहता हूं, तो पढ़ता रहता हूं कोई कार्य के कंटिन्यू होने की बात है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो कौन सी वर्ब लगेगी? कीप, के डबल ई पी, कीप. ठीक है, कीप का यूज करेंगे. कीप का यूज करेंगे. तो सेंटेंस वापस देखते हैं, मैं डरावनी कहानियां पढ़ता रहता हूं या पढ़ती रहती हूं. तो मैं डरावनी कहानियां पढ़ती रहती हूं, डरावनी कहानियां का क्या होगा? हॉरर स्टोरीज. वेरी गुड, हॉरर स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज. ठीक है, तो मैं डरावनी कहानियां पढ़ता रहता हूं, गौरव क्या होगा? आई कीप रीडिंग. यस, हॉरर स्टोरी. वेरी गुड, आई कीप रीडिंग हॉरर स्टोरीज. और उसके पहले जो भी हम लोगों ने बताया है ना, इसके पहले वाले जो वीडियोज है उनमें ये रूल बहुत अच्छा दिया गया है. इसके पहले भी वीडियो जो बना हुआ वर्ब पर बना हुआ है, देख लीजिएगा, कल और परसों वाले में उसमें बताया गया बराबर. कीप का यूज करना है, लेट का यूज करना है ना, हेल्प का है, ठीक, और भी बहुत सारी वर्ब का यूज किया गया है. तो उसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो बेहतर होगा. वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक करके फिर वापस पिछले वीडियो को देख करके ये देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ये इसलिए पढ़ाया जा रहा ताकि आप पैसेज बना सको. ठीक है, क्या बना सको? पैसेज बना सको, कई सेंटेंस को आपस में जोड़ करके बोलना सीख सको. ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि एक एक सेंटेंस तो सीखा तुमने सिंगल सेंटेंस बनाना, अभी सिंगल सेंटेंस को डबल ट्रिपल करके बना करके एक स्टोरी का रूप देना है ताकि किसी सिचुएशन में आप उसे बोल सको, एक स्पेशल सिचुएशन को आप लोग एक्सप्रेस कर सको. चलो भाई, जंगल की एक कहानी भूत की है, अब आपको ऐसे कहानी गढ़ना है. ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे, उन्हीं सारे रूल को बोलेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है. तो देखो हमारा क्या सेंटेंस है, मैं डरावनी कहानियां पढ़ता रहता हूं, गौरव ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है. आई कीप रीडिंग हॉरर स्टोरीज, मैं डरावनी कहानियां पढ़ता रहता हूं. बाकी पढ़ता रहता हूं, कीप वाला तो आपने देखा ही है. मैं लिखता रहता हूं, आई कीप राइटिंग. मैं पढ़ता रहता हूं, आई कीप रीडिंग. तो ऐसे ही मैं डरावनी कहानियां पढ़ता रहता हूं, आई कीप रीडिंग हॉरर स्टोरी. अगले सेंटेंस हमारा है, मुझे मालूम है तुम डरावनी कहानियां पढ़ते रहते हो. मुझे मालूम है तुम डरावनी कहानियां पढ़ते रहते हो, तो मुझे मालूम है क्या होगा? आई नो, है ना. Yes, मुझे मालूम, मुझे पता है, यानी मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, आई नो. ठीक है, आई नो कि आप डरावनी कहानियां पढ़ते रहते हैं. आई नो दैट, मुझे मालूम है कि, अब की के लिए दैट कंजंक्शन जुड़ेगा. आई नो दैट आप डरावनी कहानियां पढ़ते रहते, क्या होगा? यू कीप रीडिंग हॉरर स्टोरीज. आई नो दैट यू कीप रीडिंग हॉरर स्टोरीज, मुझे मालूम है कि आप डरावनी कहानियां पढ़ते रहते हैं. अगला सेंटेंस है, मेरी माँ ऐसी कहानियां पढ़ने नहीं देती हैं. मेरी माँ ऐसी कहानियां पढ़ने नहीं देती हैं, तो क्या होगा? माई मदर. अब इसमें अगर कोई चीज आपको परमिशन देने की बात आ गई तो कौन सी वर्ब लगेगी? लेट या अलाउ का करेंगे यूज, या परमिशन, परमिट करेंगे. परमिट भी लग सकती है, अलाउ भी लग सकती है, और लेट वर्ब का भी यूज कर सकते हैं. केवल डिफरेंस ये है कि अलाउ और परमिट अगर लगेगी तो उसके साथ में टू का यूज होगा, यानी वर्ब से पहले टू लग जाएगा, यानी अलाउ और परमिट इन्फिनिटिव वर्ब के साथ में ही यूज होंगी. और लेट लगेगा तो टू का यूज नहीं करना. जैसे देखिए, मेरी माँ ऐसी कहानियां नहीं पढ़ने देती हैं, तो माई मदर डज नॉट लेट मी रीड सच स्टोरीज. सच स्टोरीज, ठीक है, सच स्टोरीज. ठीक है, चलिए, माई मदर डज नॉट लेट मी रीड सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां मेरी माँ पढ़ने नहीं देती हैं. अब इसे अलाउ और परमिट इन वर्ब से भी बनाते हैं. माई मदर डज नॉट अलाउ मी टू रीड सच स्टोरीज.
माय मदर डज नॉट परमिट मी टू रीड सच स्टोरीज। तो अलाउ और परमिट के साथ में टू लगाएंगे, लेट के साथ टू नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस हमारा है लेकिन मेरे पिताजी डरावनी कहानियां पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे पिताजी डरावनी कहानियां पढ़ते रहते हैं, क्या होगा? But my father keeps reading horror stories। लेकिन मेरे पिताजी कहानियां पढ़ते रहते हैं। कीप्स क्यों किया? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट पिताजी हैं, इसलिए कीप्स लगेगा। प्लूरल होगा तो एस नहीं लगेगा, कीप होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है, पिताजी ऐसी किताबें खरीदते रहते हैं। पिताजी ऐसी किताबें खरीदते रहते हैं। अब यहां भी कंटिन्यूटी की बात है प्रेजेंट टेंस में। फादर कीप्स बाइंग, BUYING, फादर कीप्स बाइंग सच काइंड्स ऑफ बुक्स। ठीक है, सच अ बुक्स हो गया, सच शॉर्ट ऑफ बुक्स भी कर सकते हैं आप लोग, इस प्रकार की कहानियां की किताबें। तो सच शॉर्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, ऑफ स्टोरीज। माय फादर कीप्स बाइंग सच टाइप्स ऑफ स्टोरीज ऑफ सच टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ स्टोरीज, है ना, या सच टाइप्स ऑफ स्टोरीज बुक्स, सच टाइप ऑफ स्टोरीज बुक्स, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा जाता, माना जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जिस तरह से बोलेंगे, अगर ग्रामर के हिसाब से बोलेंगे तो बोलेंगे इट्स आई, अगर आप बोलना मैं हूं तो क्या बोलेंगे? इट्स आई, जो कि बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। और दूसरा है इट्स मी, तो इसका भी मतलब होता है कि मैं हूं। तो सही कौन सा शुद्ध कौन सा है? इट्स आई, और बोल भी सकते हैं इट्स मी, तो दोनों राइट है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इट्स मी चलेगा और ग्रामर के हिसाब से इट्स आई होगा। तो उसी तरह से माई फादर कीप्स बाइंग सच स्टोरीज बुक्स, कोई दिक्कत नहीं, स्टोरीज में लगा दो, वैसे लगना नहीं चाहिए स्टोरीज में अपोस्ट्रोफी, लेकिन लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, या सच बुक्स ऑफ स्टोरीज। चलो अगला है, मेरी बहन भी भूतों वाली कहानियां पढ़ लेती है। मेरी बहन भी भूतों वाली कहानियां पढ़ लेती है, अब एबल टू का यूज आ गया। मेरी बहन भी भूतों वाली कहानियां पढ़ लेती है, तो मेरी बहन भी, जब किसी की काबिलियत आपको बताना है, उसकी काबिलियत बताना है कि जैसे मैं भी खेल लेता हूं, तो इवन आई, अपनी तुलना अगर खुद से करनी है, अगर अपनी कंपैरिजन आप खुद से कर रहे हैं, अपनी काबिलियत बता रहे हैं कि मैं भी खेल लेता हूं, किसी से तुलना नहीं करनी है, मैं भी खेल लेता हूं, तो क्या होगा? इवन आई प्ले, मैं भी खेल लेता हूं, मैं भी खेल सकता हूं, इवन आई कैन प्ले। और सचिन तेंदुलकर खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूं। अब अगर आप तुलना करने लगे ना, तो दोनों में क्या होगा? आई कैन आल्सो प्ले, अब वहां आल्सो लगेगा तो कैसे लगेगा? सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इवन लगेगा तो सब्जेक्ट के पहले लगेगा, जिसका मतलब होता भी, और आल्सो लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूं, अब आपने कंपेरिजन किया दो चीजों में, तो अब वहां आल्सो लगेगा, कैसे? आई कैन आल्सो प्ले लाइक सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। चलो, आई कैन आल्सो प्ले लाइक सचिन तेंदुलकर, है ना, ये हो गया। तो यहां पर इवन लगेगा, क्यों? चूंकि मेरी बहन भी डरावनी कहानियां पढ़ लेती है। ठीक है, तो मेरी बहन भी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इवन माई सिस्टर, इवन माई सिस्टर, इवन माई सिस्टर, इवन माई सिस्टर, पूरा रा नहीं बोलेंगे, पूरा आर नहीं बोलेंगे, इवन माई सिस्टर इज एबल टू प्ले, नहीं, इज एबल टू रीड। मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा, वो आवाज आ रही ना बाहर से, क्या हुआ, खत्म? कौन था? अच्छा, कुछ रहा होगा, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू। मेरी बहन भी डरावनी कहानियां पढ़ लेती, मेरी बहन भी, तो होगा इवन माय सिस्टर इज एबल टू रीड हॉरर स्टोरीज, वेरी गुड, इवन माय सिस्टर इज एबल टू रीड हॉरर स्टोरीज, मेरी बहन भी डरावनी कहानियां पढ़ लेती है,
मैं भी डरावनी कहानियां पढ़ लेता हूं। इवन आई एम एबल टू रीड हॉरर स्टोरीज। आप भी डरावनी कहानियां पढ़ लेते हैं। इवन यू आर एबल टू रीड हॉरर स्टोरीज। चलो अगला सेंटेंस हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आप लोग बता दिया कीजिएगा, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। ये यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। तो शुरू करने के लिए मैंने वर्ब बताई थी, कौन सी? स्टार्ट वर्ब का यूज करेंगे। इट्स अ कॉजेटिव वर्ब, ये कॉजेटिव वर्ब है। स्टार्ट के बाद में आईएनजी आता है, ठीक है, हेल्प के बाद आईएनजी आएगा, स्टार्ट के बाद आईएनजी आएगा और कीप के बाद आईएनजी आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट वाले में है, तुम भी, हाँ बोलो जी, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग, वेरी गुड, यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग, आप भी पढ़ना शुरू कर दो, है ना, यानी हम पढ़ रहे हैं तो आप भी। अब यहां पर कंपैरिजन हो रहा है तो ऑल्सो का यूज होगा भी के लिए, भी के लिए क्या यूज होगा? ऑल्सो, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कि हम पढ़ रहे हैं तो तुम भी पढ़ो, तो जब कंपेयर करते हैं तो ऑल्सो का यूज होता है, वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो तुम भी पढ़ना शुरू कर दो तो क्या होगा? यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग, यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। अगला सेंटेंस हमारा है, ऐसी कहानी तुमने आत्मा के बारे में, हाँ ऐसी कहानी तुमने आत्मा के बारे में सोचने में मदद करेगी। ये अजीब सा सेंटेंस लिखा हुआ, सही सेंटेंस क्या है? ऐसी कहानियां तुम्हें आत्मा के बारे में सोचने में मदद, हाँ राइट, ऐसी कहानियां तुम्हें आत्मा के बारे में सोचने में मदद करेगी। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, ऐसी कहानियां तुम्हें आत्मा के बारे में सोचने में मदद करेगी। अब यहां पर हेल्प वर्ब आएगी, आपकी हेल्प वर्ब आएगी, ठीक है। इट विल हेल्प यू गो, इसका मतलब क्या हुआ? या तुम्हें जाने में मदद करेगा या करेगी। ही विल हेल्प यू रीड, वो तुम्हें पढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। हेल्प के बाद भी वैसे हम लोग टू का यूज करते हैं, है ना, इन्फिनिटिव की तरह अगर बताते हैं, उद्देश्य दिखाते हैं, ठीक है। तुम्हें लिखने में मदद करेगा, ये पेन तुम्हें लिखने में मदद करेगी तो क्या होगा? दिस पेन हेल्प यू, दिस पेन विल हेल्प यू, हाँ दिस पेन हेल्प यू राइट। हेल्प के बाद वैसे टू नहीं लगाता, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ध्यान नहीं था मुझे। हेल्प के बाद में मतलब कि देखिए, ये कास्टी वर्ब है, ये या तो विदाउट, सुनो ऐसा नहीं लगाएंगे, ज्यादातर नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगाएंगे। कास्टिव वर्ब जो हेल्प होती है या विदाउट इन्फिनिटिव आती है या विद इन्फिनिटिव आती है, मतलब आप चाहे तो हेल्प के बाद टू लगाएं और चाहे तो ना लगाएं। मैं, मेरी आदत में नहीं लगाता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं मत लगाओ। बाकी हेल्प के साथ टू लगा भी सकते हो और हेल्प के साथ टू नहीं भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो इसमें लिखा है, ऐसी कहानियां तुम्हें आत्मा के बारे में सोचने में मदद करेगी। ये कहानी की ऐसी कहानी, ऐसी कहानी तुम्हें आत्मा के बारे में सोचने में मदद करेगी। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? ऐसी कहानी, तो क्या होगा? दिस स्टोरी, ऐसी कहानी या सच टाइप ऑफ स्टोरी, है ना, सच टाइप ऑफ स्टोरी, इस प्रकार की कहानी, या दिस टाइप ऑफ स्टोरी, इस प्रकार की कहानी। ऐसी कहानी तो दिस स्टोरी भी ठीक है, या दिस टाइप ऑफ स्टोरी, दिस काइंड ऑफ स्टोरी, दिस शॉर्ट ऑफ स्टोरी, एस ओ आर टी, तीनों का मतलब इस प्रकार की कहानी। दिस शॉर्ट ऑफ स्टोरी, दिस टाइप ऑफ स्टोरी, दिस काइंड ऑफ स्टोरी, या सच टाइप ऑफ स्टोरी कैन हेल्प यू थिंक अबाउट अबाउट सोल्स, आत्माओं के बारे में। तो ऐसे ध्यान दो, सोल्स नहीं कहेंगे आप, भले आत्माओं लिखा होगा, सोल में ऐसे नहीं लगाएंगे, सोल, ठीक है। हम लोगों स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट्स होता है, स्पिरिट नहीं होता, एस पी आई आर आई टी, स्पिरिट माने आत्मा ना, स्पिरिट्स प्लूरल नंबर में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्या होगा? ऐसी कहानी तुम्हें आत्मा के बारे में सोचने में हेल्प करेगी, तो क्या होगा? सच ए स्टोरी या सच टाइप ऑफ स्टोरी विल हेल्प यू टू थिंक, या थिंक विल हेल्प यू थिंक अबाउट सोल,
ऐसा आत्मा के बारे में सोचने में मदद करेगी। इस तरह का सेंटेंस आप बनाओ, दो चार बनाओ, ठीक है। इस प्रकार की किताब तुम्हारी पढ़ने में मदद करेगी तो क्या होगा, सच टाइप ऑफ बुक विल हेल्प यू रीड। इस प्रकार का आदमी आपको वहां पहुंचाने में मदद करेगा या पहुंचने में मदद करेगा। सच टाइप ऑफ मैन विल हेल्प यू रीच देयर, ठीक है ऐसा। चलो अगला हम पढ़ते हैं। तुम्हें मृतक आत्माओं को समझने, क्या लिखा आगे, समझने देगी ना, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसलिए, तुम्हें आत्माओं के बारे में समझने देगी। अब देखो यहां पर समझने देगी मतलब क्या हुआ, यहां परमिशन मांग रहा है, तुम्हें आत्माओं के बारे में समझने देगी, यानी ऐसी कहानियां तुम्हें आत्माओं के बारे में समझने देगी, मतलब समझने का मौका देगी, ठीक है। तो उसमें अलाउ हेल्प जोड़ दीजिए है या लेट जोड़ दो, कैसे होगा, ये तुम्हें आत्माओं के बारे में समझने देगी तो क्या होगा, दिस विल लेट यू नो, दिस विल लेट यू नो अबाउट सोल, या दिस विल हेल्प यू नो अबाउट सोल, ये भी हो जाएगा, या दिस विल अलाउ यू नो अबाउट सोल। अगला दिस विल परमिट यू नो अबाउट सोल। इस तरह से बन सकता, कई सेंटेंस बन सकता है कि तुम्हें आत्माओं के बारे में समझने देगी, या दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट द सोल, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट द सोल, दिस विल लेट यू अंडरस्टैंड अबाउट द सोल, दिस विल अलाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोल, दिस विल परमिट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोल। सबका मतलब है ना। अगला है, नेक्स्ट क्या है बोलिए, क्या है नेक्स्ट, ये किताबें विचारों को सोचने देंगी। ऐसी नई किताबें आत्माओं को, आत्माओं के बारे में क्या लिखा है, ये किताबें नए विचारों को सोचने देंगी, ये किताबें नए विचारों को सोचने देगी, ये किताबें नए विचारों को सोचने देगी ना, ये किताबें नए विचारों को सोचने देंगी, ऐसा, ये किताबें नए विचारों को सोचने देंगी तो क्या होगा, दीज बुक्स, फिर वही सोचने देंगी, आपको परमिशन लेना है, परमिशन देने की बात है, सोचने देगी, अपने आप से नहीं सोच पाओगे, तो दीज बुक्स विल अलाउ यू थिंक अबाउट न्यू थॉट्स, दीज बुक्स विल अलाउ थिंक न्यू थॉट्स, या दीज बुक्स विल अलाउ यू थिंक न्यू थॉट्स, वेरी गुड, न्यू थॉट्स, कोई भी मतलब आप सेंटेंस बना सकते हैं। और अगला क्या है, अगला बोलिए नेक्स्ट, मुझे भी भूत और चुड़ैलों के बारे में किताबें समझने देती हैं। मुझे भी भूत और चुड़ैलों के बारे में ये किताबें समझने देती हैं। समझने देती हैं, ठीक है। मुझे भी भूत और चुड़ैलों के बारे में समझने देती हैं। मुझे भी ये किताबें भूत और चुड़ैलों के बारे में समझने देती हैं। देखिए वर्ब के बारे में मैंने सेंटेंस को वर्ब के लिए बनाया है, समझने देती है मतलब फिर वही लेट है ना, तो मुझे भी इवन, मुझे भी ये सोचने देती है ना, मुझे भी सोचने देती है, तो दीज बुक्स अलाउ मी, या दीज बुक्स लेट मी नो, दीज बुक्स अलाउ मी टू नो, या दीज बुक्स लेट मी नो अबाउट किसके बारे में, अबाउट भूत और चुड़ैलों के बारे में, अबाउट विच क्राफ्ट भी होता है, विच क्राफ्ट भूत प्रेत आत्मा है, विच क्राफ्ट, या अबाउट विच भी लिख दो, अबाउट विचेस एंड घोस्ट, चुड़ैलों और भूतों के बारे में, अबाउट विचेस एंड घोस्ट, दीज बुक्स लेट मी नो अबाउट विचेस एंड घोस्ट, ये किताबें मुझे चुड़ैलों और भूतों के बारे में समझने देती हैं, ठीक है। दीज बुक्स लेट मी नो मतलब समझने देती हो गया, लेट मी नो जानने देती हैं, या लेट मी अंडरस्टैंड है ना, लेट मी अंडरस्टैंड टू नो अबाउट विचेस एंड घोस्ट, ठीक है। और अगला नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मोबाइल में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, तो मोबाइल में ऐसी कहानियां खोजो। अब आपको क्या करने के लिए बोल रहा है कोई व्यक्ति, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सजेशन दे रहा है,
आपको कोई सजेशन दे रहा ना कि मोबाइल में ऐसी कहानियां खोजो। अब यहां पर आदेश नहीं देगा, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, वो इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, ऑर्डर देगा, यहां पर सजेशन दे रहा है। ठीक है, होगा वैसे ही जैसे बनता है, मोबाइल में ऐसी कहानियां खोजो। तो पहले वर्ब से स्टार्ट होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, किससे शुरू होता है? वर्ब से शुरू होता है। तो मोबाइल में ऐसी कहानियां खोजो तो क्या होगा? यस, गूगल में सर्च करते वर्ड क्या है? सर्च या डिस्कवर, तो सर्च कर लेते हैं ज्यादा अच्छा है। सर्च क्या? सर्च सच स्टोरीज या सर्च दीज टाइप्स ऑफ स्टोरीज इन मोबाइल। ठीक है, मोबाइल में खोजो। और अगला, तुम ऐसी कई कहानियां पढ़ सकोगे। तुम ऐसी कई कहानियां पढ़ सकोगे, यानी तुम ऐसी कई कहानियां पढ़ पाओगे या पढ़ सकोगे। तो यू विल बी एबल टू रीड सच टाइप्स ऑफ स्टोरीज। फिर आगे, और बहुत कुछ जान पाओगे जान सकोगे। अब उसी में अगर लगा देंगे तो एंड नो हो जाएगा। यू विल बी एबल टू फिर से पीछे सेंटेंस क्या था? वापस दोनों सेंटेंस बोलो। तुम ऐसी कई कहानियां पढ़ सकोगे, हाँ, और बहुत कुछ जान सकोगे। हाँ, तुम ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ सकोगे और बहुत कुछ जान सकोगे। तो यू विल बी एबल टू रीड सच टाइप्स ऑफ बुक्स एंड नो मोर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ होस्ट और विशेष, है ना? इस तरह के चुड़ैलों भूतों के बारे में बहुत कुछ जान सकोगे। फिर आगे, मैं मोबाइल चला लेता हूं कोई काम आप कर लेते हैं, तो एबल टू, मैं मोबाइल चला लेता हूं क्या होगा? आई एम एबल टू ऑपरेट द मोबाइल, या मोबाइल चलाने क्या होता है? ऑपरेट, यूज करता, यूज कर लो ना, यूज सबसे इजी यूज है। तो आई एम एबल टू यूज द मोबाइल, मैं मोबाइल चला लेता हूं, आई एम एबल टू यूज द मोबाइल। फिर आगे, क्या तुम मोबाइल चला पाते हो? आर यू एबल टू यूज द मोबाइल? आर यू एबल टू यूज द मोबाइल? आगे, मैं तो गूगल पर कहानियां खोज लेता हूं। फिर वही एबल टू आ गया, मैं तो गूगल पर कहानियां खोज लेता हूं। अब मैं तो खोज लेता हूं, प्रेशर आ गया, प्रेशर, मैं तो क्या होगा? मैं तो खोज लेता हूं, I am able to search stories थ्रू गूगल कर दो, इन द गूगल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, विद द गूगल कर दो, गूगल के साथ, गूगल में, गूगल के जरिए, थ्रू द गूगल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला, यार मैं भी मोबाइल चला लेता हूं। अब यार के लिए आप लोग बड़ी बोलते हैं, है ना, बड़ी, बड़ी या डूड, D-U-D-E, डूड माने यार, यार मैं भी मोबाइल चला लेता हूं, तो डूड मैं भी मोबाइल चला लेता हूं। I am also able. मैं भी, है ना, आई एम ऑल्सो एबल टू यूज द मोबाइल। आगे, मैं मोबाइल बोलिए, मैं मोबाइल चलाता तो हूं। भाई आपसे कह दिया जाए, क्या हुआ तुम सर्च नहीं कर पाते, मोबाइल नहीं चला पाते क्या? तो बोले नहीं, मोबाइल चला तो लेता हूं। तो क्या सेंटेंस है आपका? मैं मोबाइल चलाता तो हूं, यानी तुम मोबाइल नहीं चलाते क्या? मोबाइल चलाता तो हूं। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं? जाता तो हूं, खाता तो हूं, मोबाइल चलाता तो हूं, उसमें क्या लगेगा? डू, डू और डस, सिंगुलर नंबर के साथ में डस, प्लूरल के साथ में डू। तो मैं मोबाइल चलाता तो हूं, तो आई डू यूज द मोबाइल फोन। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। मैं लिखता तो हूं, आई डू राइट। मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं आता तो हूं, आई डू कम। कोई पूछ सकता है कि हाँ आते नहीं क्या तुम? नहीं, मैं आता तो हूं, तो आई डू कम। फिर अगला, तुम्हारी तरह मैं भी कुछ भी खोज लेता हूं।
तो आई मैं भी कुछ खोज लेता हूं तो क्या होगा, आई एम एबल टू सर्च लाइक यू, सर्च एनीथिंग कर दो, आई एम एबल टू सर्च एनीथिंग लाइक यू, तुम्हारी तरह मैं भी हाँ कुछ ना कुछ खोज लेता हूं। और आगे यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं तो क्या होगा, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो यही तो के लिए क्या होगा, दैट्स व्हाट, यही तो, यही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई से, यही तो मैं कह रहा हूं, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई से, यही तो मैं कहता हूं या यही मैं कह रहा हूं, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं पढ़ रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग, यही तो मैं सुन रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम लिसनिंग टू, या दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। अब हियर कोई अजीब चीज होगी जिसे आप सुनना नहीं चाहते, अनवांटेड होगा तो हियर लगेगा, आपकी प्रिय चीज सुन रहे हो तो लिसन लगेगा। अगला सेंटेंस बोलो, तुम मोबाइल चला तो सकते हो, मैं लिख तो सकता हूं, पढ़ तो सकता हूं, जा तो सकता हूं, तो इसके लिए आइदर लगेगा, क्या होगा, मोबाइल चला तो सकते हो, अब सकना वाले में कैन लगेगा और सेंटेंस के लास्ट में आइदर या इधर जिसे आप बोलते हैं वो लगेगा। तो मैं मोबाइल चला तो सकता हूं, आई कैन यूज द मोबाइल इधर, मैं पढ़ तो सकता हूं, आई कैन रीड इधर, मैं लिख तो सकता हूं, आई कैन राइट इधर, मैं जा तो सकता हूं, आई कैन गो आइदर या इधर, ठीक है, मैं खा तो सकता हूं, आई कैन ईट आइदर या आई कैन ईट इधर, ठीक है, मैं सो तो सकता हूं, आई कैन स्लीप आइदर, ठीक है, हो गया, लास्ट में आइदर लगा दो तो सकता हूं, हो गया। अगला, इन कहानियों को पढ़ तो सकते हो, इन कहानियों को तुम पढ़ तो सकते हो, इसका मतलब हुआ यू कैन रीड दीज स्टोरीज आइदर, और पढ़कर सुनाना के लिए रीड आउट होता है, जैसे आप सामने रखो कोई कागज जरा पढ़कर सुनाओ, तो प्लीज रीड इट आउट, ठीक है, पढ़कर सुनाने के लिए रीड आउट। चलो अगला बोलो, तुम इन्हें इंटरनेट पर खोज सकते हो, यू कैन सर्च दीज स्टोरीज ऑन इंटरनेट, और बिल्कुल अब क्या हुआ, बिल्कुल अब मुझे कहानियां पढ़नी ही है, बिल्कुल उसने कहा हाँ बिल्कुल अब मुझे कहानियां पढ़नी ही है, मतलब उसको जोश आ गया, उसने कहा बिल्कुल अब मुझे कहानियां पढ़नी ही हैं, तो क्या होगा, ऑफकोर्स, बिल्कुल के लिए ऑफकोर्स आई हैव टू रीड दीज स्टोरीज, या आई हैव टू रीड द स्टोरीज, मुझे कहानियां पढ़नी ही है ना, तो आई हैव टू रीड, जब आपको कोई काम करना ही है, कंपल्सन होता है, मजबूरी होती है, आप फोर्स्ड होते हैं, बाध्य होते हैं उस काम को करने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं, फोर्स्ड, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। और आगे, मुझे कहानियां पढ़नी ही होंगी, तो विल हैव टू फ्यूचर में जाएगा, तो मुझे कहानियां पढ़नी होगी, आई विल हैव टू रीड स्टोरीज, आई विल हैव टू रीड द स्टोरीज, और मुझे इन कहानियों को खोजना पड़ेगा, यानी मेरी मजबूरी है, तो आई विल हैव टू सर्च, ठीक है, फॉर दीज स्टोरीज, आई विल हैव टू सर्च फॉर दीज स्टोरीज, और तुम्हें कहानियों का लिंक भेजना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सेंड मी लिंक ऑफ द स्टोरीज, एंड यू हैव टू सेंड द लिंक ऑफ द स्टोरीज। मुझे इन कहानियों से नहीं डरना है, यानी पहले डरता था, अब इन कहानियों से नहीं डरना है, तो आई डोंट हैव टू फियर ऑफ दीज स्टोरीज। मुझे अब किसी से नहीं पूछना है, I don't have to ask to any person, मुझे किसी से नहीं पूछना है, और मुझे खुद मोबाइल चलानी है,
मुझे खुद मोबाइल चलानी, मुझे खुद मोबाइल चलानी, खुद माने स्वयं, ठीक है, मुझे स्वयं कहा मोबाइल चलानी है, तो आई माई सेल्फ हैव टू यूज द मोबाइल, आई माई सेल्फ हैव टू यूज मोबाइल, खुद चलानी ही है ना, एक संकल्प ले रहा है, रेजोल्यूशन ले रहा है, आर ई एस ओ एल यू टी आई ओ एन, रेजोल्यूशन माने संकल्प, मुझे संकल्प लेना है, आई हैव टू टेक रेजोल्यूशन, और आगे मोबाइल चलाने के लिए मुझे पापा से मदद लेनी पड़ी थी, मोबाइल चलाने के लिए मुझे पापा से मदद लेनी पड़ी थी, टू ऑपरेट द मोबाइल या टू यूज द मोबाइल आई हैड टू सीक द हेल्प फ्रॉम पापा, ऐसा, या आई हैड टू आस्क द हेल्प फ्रॉम पापा, फिर अगला, मैं दूसरों से पूछा करता था मोबाइल कैसे चलाना है ना, मैं दूसरों से पूछा करता था मोबाइल कैसे चलाना है, मेरी आदत थी पूछना, दूसरों से पूछा करता था, तो क्या यूज्ड टू का यूज होगा, इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, यूज्ड टू या वुड, तो क्या वो लगातार पूछा करता था क्या, कभी कभी पूछा करता था, जब ऐसा सेंस होगा कि मैं दूसरों से मोबाइल चलाने के लिए पूछा करता था कि भैया जरा मुझे बताओ मोबाइल कैसे चलानी है, मोबाइल कैसे चलाई जाती है, हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल, आई यूज टू आस्क मैनी पीपल, तो मैं कभी कभी पूछा करता था मोबाइल चलाने के बारे में लोगों से, मैं पूछा करता था, तो आई वुड आस्क हाउ टू यूज द मोबाइल फ्रॉम मैनी पीपल, कई लोगों से मैं पूछा करता था ऐसा, और आगे, पहले मैं डरा करता था, अगर आपको लगातार डर दिखाना है तो यूज टू, और कभी कभी डरा करता था तो वुड करना है, तो क्या होगा, पहले मैं डरा करता था, लगातार डरता था तो क्या होगा, आई यूज टू ऑफ्रेड ऑफ, जिस चीज से भी डरना है ऑफ के बाद लगा दो, मैं कहानियों से डरता था तो आई यूज टू ऑफ्रेड ऑफ द स्टोरीज, मैं भूतों से डरा करता था, आई हैड टू ऑफ्रेड ऑफ द घोस्ट, फिर आगे, रात में बाहर नहीं निकला करता था, मैं रात में बाहर नहीं निकला करता था, तो क्या होगा, I wouldn't, would not, है ना, I wouldn't go out of the chamber, go out of the room, go out of the house, home, जो भी लगा सको, तो at night, हाँ, तो क्या हो जाएगा, मैं रात में घर से बाहर नहीं निकला करता था, I wouldn't go out at night, हो गया, रात में बाहर नहीं निकला करता, और आगे, कभी कभी मैं परछाई से डर जाता था, तो कभी कभी के लिए sometimes नहीं लगाना है, would लगाओ, कभी कभी मैं परछाई से डर जाता था, तो I would afraid of the shadows, और आगे, मैं अक्सर पानी से डरा करता था, तो आई वुड, फिर वही अक्सर के लिए आप लोग ऑफन लगा सकते हो, ऑफन या यूजुअली माने ऑफन होता है ना, तो यूजुअली की भी जरूरत नहीं है, अक्सर मैं पानी से डरा करता था, तो आप लोग वुड लगा दो, हो गया, I would afraid of water, और रात में कहीं नहीं जाया करता था, I wouldn't go out anywhere at night, मैं रात में कहीं नहीं जाया करता था, आगे, पापा मुझे चुड़ैल की कहानियां सुनाया करते थे, तो पापा would narrate the stories of witch या witches, चुड़ैल की, चुड़ैलों की, ठीक है, और मैं बहुत डरा करता था, देखो नैरेट करना होता कहानी सुनाने का, और टेल भी होता है, पापा वुड टेल द स्टोरीज, कहानी सुनाने का टेल, TELL, टेल मीन्स, हाँ, टेल द स्टोरी या नैरेट द स्टोरी, ऐसा, तो पापा वुड नैरेट द स्टोरीज ऑफ घोस्ट, या पापा वुड टेल द स्टोरीज ऑफ विच, और आगे, मैं बहुत डरा करता था, क्या होगा,
मैं बहुत डरा करता था. आई वुड अफ्रेड माने मैं डरा करता था. आई वुड फियर मैं डरा करता था. किससे डरा करता था? आगे लगा दो ऑफ लगा के, नहीं लगाना तो यहीं पर छोड़ दो, है ना? ठीक है. और आगे पापा भी डरते थे मतलब पापा भी डरा करते थे. हमेशा नहीं डरते थे, पापा भी कभी कभी डरते थे. तो पापा वुड अफ्रेड. और लेकिन वे कुछ नहीं बोलते थे. बट दे डिडंट से एनीथिंग. बट दे नहीं होगा, ही होगा. बट ही डिडंट से एनीथिंग. लेकिन वे कुछ नहीं बोलते थे. और फिनिश हो गया. अब यहां पर एक लास्ट में बताऊं बात. जब कभी आप यूज टू का यूज करते हैं ना, तो उसके दो यूज है, ध्यान दो. एक तो आप वर्ब लगाते ना, एक्शन वर्ब. मैं जाया करता था, आई यूज टू गो. मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड. मैं सोया करता था, आई यूज टू स्लीप. अब अगर आप की दशा का वर्णन कि वो अच्छा आदमी हुआ करता था, मान लो आपकी कोई दशा बताई जाए, वो अच्छा आदमी हुआ करता था, वह ईमानदार हुआ करता था, वो चोर हुआ करता था, तो क्या होगा? यूज्ड टू बी लगाएंगे. बी माने होना ना, तो यूज्ड टू के बाद बी लगा दीजिए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे भी लगेगी. मैं ईमानदार हुआ करता था, आई यूज टू बी एन ऑनेस्ट मैन. मैं स्टूडेंट हुआ करता था, आई यूज टू बी ए स्टूडेंट. मैं चोर हुआ करता था, आई यूज टू बी ए थीफ. पहले वो बहुत अच्छा आदमी हुआ करता था, तो अर्लियर ही यूज टू बी ए गुड गाय. अर्लियर ही यूज टू बी ए गुड गाय. वो गाय नहीं, गाय भैंस वाला है. अर्लियर ही यूज टू बी ए गुड पर्सन बोल सकते हो, गुड मैन बोल सकते हो. ठीक है, गुड गाय. तो नॉर्मल एक मॉडर्न है ना, मॉडर्न वर्ड है गाय. जी यू आई, गाय माने व्यक्ति. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले गौरव मेरा दोस्त हुआ करता था, तो क्या बोलेंगे? अर्लियर गौरव यूज्ड टू बी माय फ्रेंड. तो माई नहीं भैया, माय फ्रेंड. अर्लियर गौरव यूज्ड टू बी माय फ्रेंड. क्योंकि मैं तो लाउड स्पीकर जैसा बोल रहा हूं, आपको जोर से नहीं बोलना है, जोर से नहीं बोलना है, नहीं तो माई नहीं माय है ना. तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे मनु. मनु यूज्ड टू बी माय फ्रेंड. रितेश मेरा स्टूडेंट हुआ करता था. रितेश यूज्ड टू बी माय फ्रेंड. ये जगह बहुत प्यारी हुआ करती थी, अभी तो दानों और राक्षस वाली जगह हो गई, गंदी हो गई. ये जगह बहुत अच्छी हुआ करती थी. गुड. दिस प्लेस यूज टू बी गुड, है ना? आप समझ गए, कोई चीज अच्छी हुआ करती थी, उसकी दशा अगर बताते हैं तो यूज टू बी का यूज करेंगे. यहां पर पहले स्कूल हुआ करता था, तो अर्लियर देयर यूज टू बी अ स्कूल हेयर. अर्लियर देयर यूज टू बी अ स्कूल हेयर. पहले वो पागल हुआ करता था. अर्लियर ही यूज टू बी ए मैड. अब वो एक अध्यापक है, पहले पागल था वो, ऐसे भी टीचर बन गया वो, अकल बता रहा दुनिया को. चलो, हो गया यूज टू बी का यूज, समझ गए ना? Yes, इस तरह से आप बताना है. तो अब नेक्स्ट में अलग आएगा. अभी बहुत सारा हो गया, प्रैक्टिस बहुत सारी हो गई. अब अलग लेकर चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्लास में. Yes, sir. तो आज के लिए यहीं पर खत्म करें क्लास. Yes, sir. So class is being dispersed. Till tomorrow, bye bye. Take care of yourself.